नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का किया गया सम्मान। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होने के साथ ही आत्मशक्ति के प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। शिक्षकों की महानता का जितना भी वर्णन किया जावे कम। शिक्षक सूर्य के समान होते हैं जो स्वयं तपकर छात्र के जीवन को निखारने का कार्य करते हैं। यह उद्गार विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने जनपद परिसर में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में व्यक्त किया। यहां पर बीते एक साल में सेवानिवृत्त हुए 14 शिक्षकों का साल श्रीफल भेंट व पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इसके पूर्व माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और कन्या पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में आजीविका मिशन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया गया। श्री राजपूत ने 15 माह के कांग्रेस सरकार की कटु आलोचना करते हुए कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही सभी योजनाओं को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता तरवर सिंह राजपूत, रमाकांत शुक्ला भाजपा मंडल अध्यक्ष, विजय शुक्ला, दीपक रघुवंशी, संजू बनारसी, मुकेश राय, श्याम साहू, राजीव समैया, सलीम काजी, जय बाबू जैन आदि मौजूद रहे। दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन यहाँ किया गया है। शिक्षकों का सम्मान किया गया है और यहाँ जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनका भी सम्मान करके और सभी ने हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हम सबको मिलकर सम्मानित करके और अन्य योजनाओं का भी लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ दिया गया है। बड़े उत्साह के साथ सिलवानी ने शिक्षक दिवस मनाया और हर साल शिक्षकों का हम लोग सम्मान करते हैं। हमारी टीम कार्यक्रम का सभी अधिकारी पदाधिकारी मिल के इससे हम लोगों को खुशी होती है और क्षेत्र में जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हुए उनको भी आह्वान किया कि वो क्षेत्र के विकास के, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के लिए हमें पूरा